लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस टाइम हम पुलिस स्टेशन असंद में हैं और जैसा कि आपको पता है कि मुंड गांव में पूजा नाम की एक महिला जो है कल वो एक्सपायर हो जाती है और मरने से पहले पुलिस को बयान देती है कि किसी व्यक्ति ने उसको जहर खिलाया है। तो परिवार के जो सदस्य हैं वो मौके पर मौजूद हैं, पूरे परिवार के रिश्तेदार जो वो यहाँ आए हैं। अब पुलिस की जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि महिला ने मरने से पहले बयान दिया है कि किसी व्यक्ति ने उसको जबरन जो है जहर खिलाया है और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। महिला की डेड बॉडी हो गई थी, उसके बाद जो है अंतिम संस्कार जो है महिला का कर दिया गया था और आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं, जो उनके हस्बैंड है वो भी यहाँ हैं, उनके परिवार के और भी जो सदस्य है वो यहाँ हैं, महिलाएं परिवार के सभी सदस्य बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज उनका कैसे, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम गंगाधर अम्बेडकर है, आदि धर्म समाज भारत जी। तो आज कैसे आए और जैसे ये एक वारदात हुई है एक तरह की जी, तो क्या आपको पता लगा और क्या पुलिस की जो कार्रवाई जी हमें संतुष्ट है? जी हरियाणा के एक चैनल न्यूज चैनल है असंध में हलचल के नाम से, उनसे पता चला कि मुंड है जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, गांव असंध के बिल्कुल 4-5 किलोमीटर दूर कि वहाँ एक एट्रोसिटी हुई है और एट्रोसिटी में पूजा नाम की एक लेडी है जिसको गाँव के एक दबंग जाति के व्यक्ति द्वारा बार बार टॉर्चर किया गया और टॉर्चर इतना किया कि उस औरत ने इतनी विवश होगी कि उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। तो पुलिस की कार्रवाई आज हम डीएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, तो डीएसपी साहब से अभी फोन के से संपर्क बना पाए हम लोग। डीएसपी साहब ने कहा है कि ऑलमोस्ट इसमें जितनी भी धाराएं लगनी चाहिए वो सारी धाराएं लग चुकी हैं, अगर कोई रहती है तो वो परिवार के साथ मिलकर जो सप्लीमेंट्री बयान होंगे उसके तहत अगर कोई धारा बचती है वो भी लग जाएगी। पुलिस की तरफ से मैंने अच्छे से कार्रवाई की गई है, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट भी हैं। हाँ तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि एक वर्ग को दबाया जाता है, उससे पहले कुछ ऐसा होता कि गांव के मौजूद आदमी उसका फैसला करते या गांव का सरपंच फैसला करता, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या इससे पहले ये बात सामने नहीं आई? ये एक मनुस्मृति कह सकते हैं हम इसको, ये स्टार्टिंग से जो वर्ण व्यवस्था है वो जो 85% लोगों को केवल दबाने का ही काम किया जाता है, हमारे लिए एक सेवा का ही काम किया जाता है और आज तक वो यहाँ तक गिर चुके हैं ये लोग, हमें अपनी छोटी छोटी 8-8 साल की बच्चियों को भी हवस का शिकार बना लेते हैं। यही कारण, एक जातीय व्यवस्था भी इसका कारण मेन व्यवस्था, और ये भारत में ये भारत का दुर्भाग्य है कि जातीय वेश पर जो एट्रोसिटी होती है वो जातीय वेश पे है और जिसका हम शिकार है। ये मरते वक्त ये इसके बयान थे, मुझे बेइज्जती कर रखी, मजबूर कर दी, समझ सकते हैं? ठीक है ठीक है, चल चल मेरा पहले कमेंट करा करता, मैं तेरा जी नहीं देंदा, मैं तेरे दो ठेड़ लोगों नहीं सोन देंदा, मैं तेरा अपनी बनाऊंगा, बेइज्जती कर। ये वो महिला जो मरने से पहले बयान देती है कि मेरी बेइज्जती कर रखी है और तुझे मैं जीने नहीं दूंगा, इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो सुनाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक जो वर्ग है उसको दबाया जाता है? आम आदमी, आम जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले ये लोग, किस तरीके से इनको दबाया जाता है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इस चरम पर ये लोग आ जाते हैं कि एक सुसाइड करना पड़ता है महिला को। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या है मन में? मन में ये है, जो इसने मृत्यु जो किया है ना उस पर कार्रवाई की, जो कार्रवाई किया उस पर करो जी। ये ब्लैकमेलिंग किया है, इसने अपने मुँह से कहा एडमिनिस्ट्रेशन के जो सामने जो कहा है उस पर कार्रवाई तो हो गई, अभी जो कार्रवाई करनी थी पुलिस ने वो कर दिया। अभी जो पुलिस ने कार्रवाई करी उससे संतुष्ट है आप? अभी तक संतुष्ट है, अभी तक संतुष्ट है। अच्छा, आगे फिर हम आरोपी को गिरफ्त में लिया हुआ है, आरोपी के लिया हुआ है, अभी तक संतुष्ट है, आगे देखेंगे हम उसके बारे में। कई बार ऐसा होता है, अभी कार्रवाई तो कर दी है और बचाने की कोशिश करते हैं आरोपी को, तो ऐसा ना हो भी आरोपी को बचाया ना जाए, उसको सख्त से सख्त सजा हो, जो भी उन्हें ये हत्या की है उसकी वजह से उसने अपना हत्या कर लिया, और आगे से भी कोई ऐसा ना हो, पुलिस को ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए जो गरीब आदमियों के साथ एससी के साथ। मतलब आपके मन में अभी ये है कि कहीं ना कहीं आरोपी का बचाव कर सकता है कोई? हाँ, मेरे मन में है, मेरे मन ऐसा ऐसे होता है, मेरे साथ हुआ है अभी 2 महीने पहले,
झगड़ा हुआ था और मेरी टांग टूटी हुई थी और अपना मेरे घर पे तोड़फोड़ भी हुई सारी। अपना 112 पे डायल किया मैंने, 112 वाले गए तो वो देख के भाग गए, तो वो कहने लगे भी आगे झगड़ा ना करियो भी, रेस्ट करेंगे उनको। तो क्या हुआ जी, वो बंदा यहाँ पुलिस में भी लगा हुआ है। अच्छा। तो उसने क्या किया, रात के 12 बजे पुलिस भेजता है मेरे घर पे, मेरे को भी उठाते हैं, मेरे लड़के को भी, घरवाली को भी, सारे परिवार को आगे आधी रात 12 बजे उठाने का काम किया और यहाँ थाने में ले आया जी दोनों को, मेरे को और मेरे भाई को जिसका सर पटा हुआ था। तो हमें तो ये था भी हमारे साथ बेन्यायी हुई है, तो उन कसूरवारों को छोड़ के हमारा चार जने का चलान काटा जिसमें मेरी टांग टूटी थी, मैं बेड पे था और चार जनों का चलान काटा और उन आरोपियों का एक जने का चलान काटा है। लगातार ऐसा क्यों होता है कि जो गरीब आदमी है उसकी आवाज को कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, महिला के जो हस्बैंड हैं वो हमारे साथ हैं, क्या सोचते हैं और क्या हो गया, आपने सोचा भी नहीं था? पुलिस ने जो कार्रवाई की है कितना संतुष्ट है, कितना नहीं? उसको सजा दो जी, मेरी आत्मा ये मान रही है बस। आगे मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल होएगी पालने में। कुछ नहीं सर, तो माता क्या जी जी, तो ये परिवार के जी 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 जी, अभी परिवार में से एक जवान सदस्य गया है जी, इस परिवार के एक मेन सदस्य गया है, परिवार उस हालात में नहीं है कि वो कुछ बयान दे पाए। हाँ फिलहाल अभी उस क्या दिमागी हालत थोड़ा जी। तो ये परिवार के सदस्य सिर्फ न्याय के लिए अपनी गुहार लगाते कि हम लोगों को न्याय चाहिए और ऐसा ना हो कि दोबारा फिर इनको इस तरीके से दबाया जाए। और मैं एक बार फिर आपको बयान सुनाता हूँ जो वो लड़की मरते मरते देकर के गई है। मुझे बेइज्जती कर रखी, मजबूर करती सनकती, मेरा ब्लैकमेल करा करता, मैं तेरा जी नहीं देता, मैं तेरे दो ढेर लोग नहीं सोन देता, मैं तेरा अपनी बनाऊंगा, मुझे बेइज्जती कर रखी थी सनक, मेरी बेइज्जती कर रखी, मैं तेने जीन नहीं देता और ब्लैकमेल करता था। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो है अनसेफ जो है नजर आ रही हैं जी। ब्लैकमेलिंग एक बंदे का काम तो होता नहीं है जी, अब ब्लैकमेलिंग पे ही देखेंगे जब तो जो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बयान दिया था। आपका मन ये है कि इसके पीछे और लोग भी हैं? हाँ, अन्य लोग भी हैं जो ब्लैकमेल करते हैं। मैं आपसे पूछना था, ब्लैकमेल एक बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ब्लैकमेलिंग देखिए पुलिस प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन के ऊपर विश्वास है आप लोगों को? अभी तक तो है। प्रशासन के पुलिस के सामने जो बयान आए हैं ना, जो हमें लिखित में दिया है या बयान उन्होंने उस पे कार्रवाई की है। अभी तक पुलिस के सामने एक ही नाम है, उन्होंने उसको अरेस्ट भी कर लिया और जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं भी लग चुकी हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई ठीक है अभी तक तो। और आपके सामने क्या निकल करके आया कि जबरन मतलब कुछ दिया गया? अभी गांव से आए हैं, मैं कैथल से हूँ, मैं गांव में जब गया, गांव में ये बताया गया कि इस औरत को बार बार गली में निकलते समय या उसको बार बार टॉर्चर किया जाता था, इसके घर के सामने वो कुर्सी बिछाकर बैठ जाता था गली में, यानी कि इसको पूरा का पूरा प्रताड़ित किया, दिमागी तौर पर पूरा का पूरा इसका एक तरह का शोषण हुआ है इनका। तो अभी जो यदि जहर खाने की बात है वो खिलाया गया या महिला ने मतलब उसको उकसाया गया? खिलाया गया है। अभी हम जो इसमें थोड़ा सा वो खिलाया गया है, सर ये खाया नहीं है, इसको खिलाया गया है पकड़ के। इसमें चार पांच बंदे हैं, ये उनको सामने ला रहे, देखो पुलिस की हमारी संतुष्टि है, इन्होंने पर अभी तक एक गिरफ्तार कराया। जो अन्य है ना, जहाँ ये खुद लड़की बोल रही है मेरे को ब्लैकमेल किया गया, वो ब्लैकमेल जिस पे किया वो कहाँ है? पुलिस उनको भी गिरफ्तार करे, प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि उनको सबको इससे पूछताछ की जाए और उनको बुलाकर उनको अंदर करे, कौन कौन है कौन कौन नहीं है। और ये जो दवाई दी गई इसकी, एक बंदे ने नहीं दिया, ये कई इसके साथ है और जबरदस्ती इसको पकड़ के जबरदस्ती दवाई दी गई है।
एक समाज की महिला को किस तरीके से बेइज्जत कर उसको जहर देने की बात सामने आ रही है। परिवार का ये कहना कि उसको जहर दिया गया, महिला ने मरने से पहले ये बयान दिया कि मुझे तड़पाया जाता था, मुझे बेइज्जत किया जाता था और इसी वजह से मरने के लिए मैं मजबूर हूँ और सख्त से सख्त जो कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। तो परिवार जो है अभी तक पुलिस की जो जांच है उससे संतुष्ट है और परिवार के ये सदस्य महिलाएं पुरुष असंत पुलिस स्टेशन में आए। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों को शेयर कीजिएगा ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।